तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि भाई आज बहुत एक्साइटिंग चीज हुई है। मैं सुबह उठा और मुझे फोन आया डिलीवरी मैन का कि भाई मेरा गूगल से पिन आ गया है। फाइनली 2 महीने बाद भाई मेरा एडसेंस का पिन आ गया है। मेरी कोई पेमेंट नहीं आती, कुछ पैसे नहीं आते, जितने पैसे थे मेरी सेविंग्स के थे। तो कोई नहीं भाई, अब पिन आ गया तो भाई थोड़ा बहुत पैसे आ ही जाएंगे। तो चलो चल के पिन लेते हैं और आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या कैसे कैसे होता है। और उसके बाद यार मेरा ये G7X है ना, मैं सोच रहा हूँ इसे भाई सर्विस सेंटर पे ले आऊँ, क्योंकि इसमें ना भाई कह रहा था फोकस इश्यूज आते हैं। तो फोकस इश्यूज चेक कराने एक बार ही मुझे, और बाकी चेक कराने, क्योंकि ना G7X थोड़ा यार रफ हालत में है। भाई ने घिस रखा है, स्क्रीन भी इसकी थोड़ी सी टूटी हुई है, बट कोई नहीं यार, मेरे को तो काम चलाना है। तो चलो चलते हैं यार, पिन लेके आते हैं फटाफट। फाइनली मेरे को ये मिल गया है, खुश हूँ मैं। जाके पहले मम्मी को दिखाता हूँ, उसके बाद जैसे जैसे प्रोसीजर होता है, पहले भगवान के घर में भी रखेंगे इसे, उसके बाद प्रोसीजर जैसे जैसे होता है वैसे वैसे करूँगा, आपको दिखाऊंगा। कह रहा हूँ मम्मी नहीं मिला पिन, उस पर था नहीं, वो गूगल का आना था ना, वो लेने गया था मैं, वो कह रहा है किसी और का था, आपका नहीं था। ये लो पहली सैलरी आ गई है, इसको रखते भगवान के घर। बिल्कुल ठीक है भाई, पार्टी पार्टी चाहिए। तो चलो थोड़ी देर भगवान जी के इसके आगे छोड़ते हैं, मैं अभी नहा धो लेता हूँ, उसके बाद पिन वगैरह डालेंगे। तो भाई फाइनली अब भाई हम पिन उठा लाए हैं और भाई इसको खोलते हैं। मैं कैमरा को एक जगह सेट कर देता हूँ पहले। ऐसा आता है कुछ ये एडसेंस का, ये तो इसमें क्या लिखा है कि एजेस को टियर करने को पहले बोला है, तो एजेस को मैं टियर करूँगा। एक्चुअली पहले सेकंड पिन है, मैंने जो पिन ऑर्डर किया था वो मेरे पुराने एड्रेस पे था, वो वहाँ भी डिलीवर नहीं हुआ। तो मैं हर दिन वो हर हफ्ते मुझे डेली जाना पड़ता था, बट भाई फिर मैंने एड्रेस चेंज करके डाला, तो भाई सेकंड बारी में तो डिलीवर हो गया। तो भाई वो मेरा लक था, बट चलो कोई नहीं यार, देर है दुरुस्त है, हमसे हो गया। और ओ भाई भाई फट गई, ठीक है। ये है अपना पिन और इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस हैं कैसे कैसे आपको वो डालना है। तो मैं आपको डाल के दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है। भाई देखो, मैंने गूगल पे खोला एडसेंस, ये रहा एडसेंस, मैं साइन इन, 2 to 4 weeks, 1 महीने में आता है पिन। यहाँ पे भी बराबर स्टेप्स यही लिखा है, पिन मैं डालूँगा, पिन कंप्लीट हो गया है, वाओ। तो ये भाई ऐसा हो गया है, अब पता नहीं इसके बाद क्या करना होता है। पेमेंट्स आर करेंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज रिक्वायर्ड। तो भाई ये पिन मेरा डल चुका है, मेरे जितने पैसे बने हैं वो सारे यहीं पे ही हैं। अब क्या मेरे को पेमेंट साइकिल, मेरे को अपनी इंक्लूडेड, टू मेक श्योर योर पेमेंट इज इंक्लूडेड इन नेक्स्ट साइकिल प्लीज़ प्रोवाइड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो मैं अपने टैक्सेस वगैरह की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उसके बाद मेरे को मेरा पूरा मिल जाएगा कि भाई कितने, अभी तक मेरे जितने पैसे बने हैं, कोई रुकेंगे नहीं है, जितने पैसे बने टोटल मुझे दे देंगे। तो कोई बुरी बात नहीं है यार, ठीक है, मेरे को मेरे पैसे मिल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यार। ये तो बड़ा सही सीन है कि अगर आपके आपकी मोनेटाइजेशन चालू हो गई और आपकी वीडियोस के पैसे बन रहे हैं, बट किसी तरीके से आप अपने पैसे नहीं निकाल पा रहे, तो गूगल वाले आपके पैसे नहीं रोकते, वो आपकी पेमेंट्स को होल्ड पे कर देते हैं, जितने आपकी अर्निंग्स बनी होती हैं वो उसके बाद एक साथ ही चेक इन कर जाते हैं इसमें, अपने बस आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी यार। तो यार और इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता, मैं ऐसी वीडियोस नहीं बना पा रहा होता। और मैं भाई थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको, और कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास। तो थैंक यू गाइस, आप लोग बहुत अमेजिंग हो और ऐसी मेरी वीडियोस देखते रहो। तो यार अभी मैं आ गया तो ऑफिस, भाई मुझे टैक्सेस का समझ नहीं आ रहा था, तो मैं आया था गुलाटी भैया पे, मेरे टैक्सेस का करा दो यार, भाई एक तो फोकस नहीं होता। आज मैं जाके इसे यार कैनन के सर्विस सेंटर ले जाऊँगा, इसे ठीक कराऊँगा, टाइम से ठीक करा वही यार। तो करो ना फिर, आप भर दो यार मेरे टैक्स का, पैसे वैसे आ जाए थोड़े, पैसे तो आएंगे। भाई नहा धो के मैं पूरा तैयार हो गया हूँ, मैंने अपना भाई अपना G7X रख लिया। इसमें क्या है कि लास्ट वीडियो में आपने ऐसा देखा होगा, एक्सपोजर बहुत ज्यादा आ रहा है, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ ना तो पीछे की लाइट बहुत ज्यादा वो आ रही है। तो कुछ नहीं यार, अभी क्या करते हैं कि इसको ले चलते हैं। भाई मेरे को पता चला कि इसका सर्विस सेंटर है, मैंने फोन पे बात भी करी है, वो है कनॉट प्लेस में। तो कनॉट प्लेस जाते हैं, इसको मैं सबमिट करा दूंगा वहाँ पे। ये कह रहे हैं कि 1500 रुपये इनका कुछ अपना सर्विस कॉस्ट होता है, बाकी जो पार्ट का लगेगा वो ऊपर से। तो चलते हैं यार फटाफट, 2 मिनट में से डाल के आ जाता हूँ, कल परसों मिल जाए वो फुली।
बाकी ऑडियो क्वालिटी तो मैंने चेक करी, बहुत ही अमेजिंग आ रही है, तो भाई उस मामले में तो बेस्ट है। बस थोड़ा वेयर एंड टियर है क्योंकि बहुत लोगों ने यूज करा इसे हमारे घर में, तो कोई चलते हैं इसे लेके चलते हैं ठीक कराते हैं। तू भी चल रहा है ना भाई? चलो निकलते हैं यार, काम कराते हैं, जरूरी है भाई ये चीज, क्योंकि भाई क्वालिटी अच्छी देनी आप लोगों को। और भाई कमेंट्स भी अच्छे आ रहे थे कि भाई क्वालिटी थोड़ी वैसी है, बट माइक की वॉल्यूम और उसकी वॉल्यूम बहुत बेस्ट हो गई है, तो भाई इस मामले में मुझे बड़ा सही लगा, तो चलो चलते हैं। एक तो ना बड़े कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई इसको वो कराओ, रिस्टोर करो। भाई मैं सोच रहा हूँ इसे रिस्टोर करने की, बट ना ये भाई ना बिल्कुल ही खत्म है, इसका वाइजर भी टूट गया है, इसका बैकलाइट मैंने ठीक कराई थी ये भी टूट गया है। पहले बहुत अच्छी थी भाई, कभी तो है? पहले बहुत अच्छी थी एकदम, जब आए थे नानी के यहाँ पे बहुत अच्छी बाइक थी, अब तो बहुत हल्का खराब है ना यार, ये भाई रगड़ता है ना तो चीजों को ऐसे ही कर देता है। स्कूटी लेती भाई, स्कूटी अब तक एक नंबर चल रही है, उसको मैं क्लीन करता हूँ, रिपेयर कराता हूँ, बट भाई क्या करता है इन चीजों की हालत खराब कर देता है। चलो कोई नहीं यार, देखते हैं थोड़े टाइम में, अभी गलती आपको तो आई थी अपनी, थोड़े टाइम में सोचा एक बाइक भी खरीद ही लूंगा, बाइक खरीद लूंगा या फिर मेरा मन तो है यार ओला की स्कूटी खरीदने का, बाकी चलो देखते हैं जिस पे मन आता। तो भाई अभी हम मेट्रो में आ गए हैं, तेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेट्रो का? नहीं सेकंड। सेकंड एक्सपीरियंस है जी। तो इतना घबरा क्यों रहा था, तो एंट्री करते हो चश्मा नहीं लगा रखा ना? अच्छा हाँ यार, इसका ना चश्मा टूट गया था, कल ये बैठ गया था अपने चश्मे पे, बैठ गया था। अरे नहीं सही कर रहा था, उसको फिक्स कर रहा था तो वो मुड़ गया वहाँ से। तो चलो कोई नहीं यार, अभी मेट्रो में बैठ गए, हमें जाना है 12 खंबा रोड, वहाँ पे गेट नंबर 5 से उन्होंने हमें बताया, तो चलते हैं फटाफट। हमें निकलना है गेट नंबर 5 से बाहर, ठीक है भाई? भाई देख के नहीं चला जाता, मजे ले रहा हूँ यार, तो चलो चलते हैं ऊपर। तो हम 12 खंबा उतर गए थे, और ये पूरा सीपी, वो सीपी तो नहीं पता नहीं क्या, बट हमें यहीं जाना है वैकर में, कह रहे सेकंड फ्लोर पे, तो चलो चलते हैं। एसी नहीं है, फैन नहीं चल रहा है, पसीने आ रहे हैं मुझे। उनको मैं रिकमेंडेशन दूँ क्या, मेरे भाई को गर्मी बहुत लग रही है, तो इसके लिए फैन चला दो। क्या होता है BSD के? हाँ, भाई सब दुआ करना है, तेरी दुआ मैं करूँगा, भाई के आगे गालियाँ दे रहा है, भाई सब दुआ करने वालों तेरी दुआ मैं करूँगा। ये कहता है ये BCD है ना लिखा है, ये BCD लिखा है ना, इसके पीछे लास्ट में K की कमी है। अबे साले, अच्छा पिटाई लगाऊंगा बेटा तेरे पापा से, शिकायत करनी पड़ेगी पागल। तो भाई हम कैनन के सर्विस सेंटर से आ गए हैं, भाई इनका एक्सपीरियंस अच्छा था, इन्होंने हमें अच्छे से ट्रीट किया। हाँ बहुत है ना, पानी वानी ला के दिया सब किया, और यार करीबन मेरे लग रहे हैं देखो 1100 रुपये कह रहे हैं सर्विस कॉस्ट होगी अगर आप सर्विस कराओगे, और अगर नहीं कराओगे तो 300 रुपीज चार्ज होता है अगर आप पार्ट का रिप्लेसमेंट आया है और आप नहीं करवा रहे, तो बस ये 300 रुपये लेंगे और आपको जैसा कैमरा था आपका वैसा ही दे देंगे क्लीन करके। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी कि अप्रूवल लेके ये करते हैं, बाकी होपफुली मैंने ऐसा तो कुछ वो एक्सपेंस डाला नहीं है कि भाई माइंड में लेके नहीं चल रहा कि इतना एक्सपेंसिव कुछ आएगा, बट अगर आता है तो भाई थोड़ा शॉकिंग हुआ है कि नहीं? बिल्कुल। तो चलो यार अब घर चलते हैं, इसको भी अपने बुआ के घर जाना है, तो मैं ऐसे मेट्रो से बता दूंगा रास्ता, वो मैं निकल जाऊँगा घर, तो रात को वापस आएगा ना? हाँ। तो बस चलते हैं फिर। तो भाई सही है, अब सारा काम हो गया, हम निकल रहे हैं भाई। पास के पास था वैसे यार, मेरी गाड़ी किसने खड़ी कर दिया? आपकी गाड़ी, आप ही धोते हो वैसे? भैरामी हो रहा है ये भी, चुपचाप चल, छोटे भाई इतना नहीं बोलते। तो चलो चलते हैं यार। बॉसकास मेट्रो पे भाई हैमलेस, KFC वगैरह भी खुल गया है। यहाँ पे हैमलेस खुलने की क्या जरूरत थी? खुलने की जरूरत पता नहीं यार, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन टाइप होते हैं ना मेट्रो प्लेसेस, मतलब कोई जा रहा हो एयरपोर्ट मेट्रो से रास्ते में उठा ले, इस चक्कर में लोगों ने खरीदा हो, बट अभी क्या है ये जाएगा बॉसकास से मजेंटा लाइन पकड़ के अपनी बुआ के घर, और मैं जाऊँगा येल्लो लाइन से भाई अपने घर। तो मैंने इसे अपना कार्ड दे दिया, मैंने टोकन ले लिया, दिल्ली में नया ऐसे आदत नहीं है। ओ हाँ नहीं बताना, कट कट मैं ले रहा हूँ। तो कोई नहीं चलो, इसको मैं मेट्रो में एक बार बिठा दूँ, उसके बाद मैं येलो लाइन से वापस घर चले जाऊँगा। मेट्रो आ गई, इस वाली में जाना है तूने, ठीक है 2 स्टेशन बाद उतर जाइयो और आ जाइयो घर, ठीक है? चल अंदर चल, तो छोड़ के जाऊंगा, बाय बाय, रात को मिलते हैं। अब चल रहे हैं घर यार, बहुत थक गया सुबह से यार, सुबह से बाहर भाग दौड़ कर रहा हूँ, थोड़ा जाके घर पे रेस्ट करूंगा। भाई कहाँ खुल गई? मेरे को येलो लाइन जाना है। अच्छा यहाँ यहीं से जाना हो। भाई मैं घर आ गया था यार, थोड़ा मैं सैड, क्योंकि वो कह रहे थे कि मेरा कैमरा 10 दिन बाद मिला, तो 10 दिन तक हम सॉरी गाइस आपको मेरे फोन से ही काम चलाना पड़ेगा। तो यार इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर नहीं पसंद आए तो क्या करना? तो लाइक तो कर ही देना, बट अगर नहीं पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि मैं कैसे अपने क्या वीडियो की क्वालिटी और बेटर कर सकता हूँ। आपका एक सजेशन तो मैंने लिया था कि माइक क्वालिटी बढ़ाओ, तो मैंने उसके लिए प्रोफेशनल तो नहीं कहूंगा, एक मीडियोकर कैमरा ले लिया भाई का, पुराना वाला G7X, तो उससे साउंड क्वालिटी तो बहुत बेस्ट होगी, बट कैमरा क्वालिटी थोड़ी डाउन होगी क्योंकि उसमें एक्सपोजर आउट होगा, उसकी दिक्कत थी, बट वो उसने डाल दी, वो अभी डाल दिया। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।